नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और ये छोटी सी तो नहीं, काफ़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन है भाई, मेरी नज़र में तो काफ़ी बड़ी है, और ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था, तो वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। सिर्फ दो ही स्टॉक मैंने पकड़े हैं इसमें, TCS एंड इन्फोसिस। दोस्तों अगर मैं ये देखिए, मंथली चार्ट है, कोई ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ व्यू है, कोई ट्रेड वगैरह कुछ नहीं है। और ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं पहले ही बता दूं आपको, जो कि एक ऐसा इंसान जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है उसका व्यू है, ठीक है। अगर आप एलियट वेव जानते होंगे तो एलियट वेव ऐसे बनती है, 1 2 कुछ करेक्शन होती है, देन एक 3 एक लंबी वेव बनती है, देन 4 कुछ करेक्शन होती है, देन एक फिफ्थ वेव बनती है। तो ये जो करेक्शन होती है जनरली 61.8 इसका गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है। और ये वाली जो वेव बनती है, ये वाली नीचे की तरफ आती है, वो 38.2 उसका गोल्डन रेशियो होता है। बट ये जो करेक्शन होती है, ये वाली, इट कांट बी 50% ऑफ दिस। तो ये जो जैसे ये इसके आधे तक इसके नीचे नहीं आ सकती, मैक्सिमम 50% तक ही ये करेक्ट कर सकती है, बट गोल्डन रेशियो इसका 38.2 होता है, 80-90% इसी को टच करके वेव ऊपर की तरफ घूम जाती है। तो अगर आप ये देखेंगे, TCS का चार्ट देखेंगे दोस्तों, सॉरी, इसमें जो मैं मंथली चार्ट लगाया, मुझे इसमें जो चीजें दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं, ये 1, ये 2, ये थर्ड वेव पूरी, ये फोर्थ वेव पूरी, एंड ये फिफ्थ वेव। शायद 4,000 तक जा चुका है, या फिर 4,100-200 तक जाके ये वेव मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, वो छोटा करती, चलिए दोबारा यहाँ से अच्छे से दिखेगा। ये 1, ये 2, और ये 3, ये 4, ये 5th, ऐसे करके ये पूरी 5 वेव मंथली चार्ट पे खत्म हो रही है, जब से TCS पैदा हुआ है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो जब ये 1 2 3 4 5 वेव पूरी हो जाती है एक बड़े टाइम फ्रेम में, फिर एक अच्छी खासी करेक्शन आती है ए बी सी पैटर्न टाइप की, ठीक है, ए बी सी पैटर्न टाइप की। तो अभी जैसे ये इसमें TCS में हो सकता है 4,000, हो सकता है 4,200, 4,200 से ऊपर मैं फिलहाल TCS को नहीं देख रहा हूँ अगले मार्च अप्रैल तक, ठीक है। और अगर ये जैसे मैं चार्ट रीडिंग कर पा रहा हूँ इसके हिसाब से अगर चला, तो यहाँ से ऊपर से जाके एक ऐसे कुछ टाइप की करेक्शन आनी चाहिए नीचे की तरफ, और TCS आपको 3,000 से लेके 3,000 तक दिखना चाहिए, ये मेरा मानना है। 3,000 का लेवल TCS में आगे आने वाले टाइम में, 3 महीने में, 4 महीने में, हो सकता है 5 महीने में, 3,000 का लेवल, 3,000-3,100 ऐसे कुछ करके TCS में आना चाहिए भाई। यहाँ से करेक्शन आनी चाहिए ए, ये पैटर्न बी, देन ये सी, और फिर ऊपर की तरफ TCS को जाना चाहिए। सेम ही कुछ ऐसा ही कुछ मेरे को इन्फोसिस के चार्ट में भी दिखा। मैं आपको ये इन्फोसिस का चार्ट लगाया है मैंने, ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए, यहाँ पे भी इसने 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 पूरा कर, मतलब लगभग 5 तो बहुत जबरदस्त गया। तो इसको भी मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में, अगर ये फिफ्थ वेव ही आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँ, ये वाली, ये फिफ्थ वेव ही आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँ, तो उसको मैं अगर वीकली लगाता हूँ, ये देखिए, तो ये भी लगभग पूरी होने की कगार पे है, 2,000 से 2,100-200 इसके लगभग। मेरे को लगता है इन्फोसिस भी एक बार को 5-6 महीने के लिए रुक जाएगा 2,000 से 2,200 के बीच। तो जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, ये फिफ्थ वेव ऐसी पूरी हो जाएगी, यहाँ से भी इसमें भी एक करेक्शन ऐसे बनना चाहिए जो कि इसको 1,300 से लेके 1,300 से लेके 1,500 तक, 1,500 तक स्क्रीन पे इन्फोसिस आना चाहिए, 1,300 से 1,500 अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, उसको जब लगना है हो जाएगा। पर ये करेक्शन पेंडिंग है, और आईटी स्पेस में बिल्कुल जैसे मंथली चार्ट देख के जो मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ, ये इनके पूरा या तो होने की कगार पे है, ठीक है, या हो चुका है या होने वाला है। यहाँ से ऐसे करके एक करेक्शन आएगी जो कि 1,500 से 1,300 के बीच में,
जो मैंने आपको लिख के बताया, इन्फोसिस आपको इस लेवल के आसपास मिलना चाहिए, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स पे करेक्शन नहीं आई है, आईटी स्टॉक्स की करेक्शन ड्यू है, और एज पर एलियट वेव जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वो अगले 2 से 3 महीने में शुरू हो जाना चाहिए। तो ये था दोस्तों ऑब्जर्वेशन थी। इनकेस आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आईटी में है तो जो भी अब टॉप लगेंगे, शायद एक दो बार टॉप लगे, वहां से आपको आईटी में लॉन्ग टर्म वालों को भी एक बार को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा पैसा बना हुआ है। मेरी सजेशन ये रहेगी, बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पक्का किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले जरूर सलाह ले लें जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो और आपको प्रॉफिट वॉफिट कराने का दम पूरा रखता हो भाई। ठीक है, मेरी तुच्छ नॉलेज है और मैं गलत साबित होने के मेरे पूरे 99.99% चांसेस हैं। जो लेवल बोले हैं मैंने टीसीएस में 3,000 3,100 पूरे चांसेस हैं कि वो ना आए, इन्फोसिस में भी 1,300 से 1,500 के बीच में पूरे चांसेस हैं कि ना आए, तो पूरे गलत साबित होने के मेरे चांसेस हैं। आप समझिएगा, अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा, फिर ही आप इस पे काम करिएगा। मुझे लगा कि मुझे आपको चेताना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच।